जयपुर कमिश्नर पुलिस ने शहर में शराब की दुकानों से शराब बेचने वालों, पीने वालों और उपद्रव करने वालों के खिलाफ अभियान चला दिया है। पिछले 15 दिन में पुलिस ने 2000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नरेट ने पूरे कमिश्नरेट में यह अभियान शुरू कर रखा है। एडिशनल कमिश्नर अजयपाल लांबा ने बताया कि पिछले कुछ समय से बार बार शिकायत मिल रही थी कि शराब की दुकानों के बाहर देर रात तक सेल्समैन शराब बेचते हैं, जिसके चलते सड़कों पर लोग शराब पीकर उपद्रव करते हैं। सड़क से निकलने वाले लोगों के साथ साथ महिलाओं के साथ ही बदमाश शराब पीकर बदतमीजी करते हैं, जिसके बाद पुलिस थाना सीआई को रात 9 बजे से 12 बजे तक फील्ड में गश्त करने और उपद्रवियों को पकड़ने का अभियान दिया है। 3 दिन में जयपुर कमिश्नर पुलिस 2000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। आने वाले दिनों में यह भी ऑपरेशन चलता रहेगा। पुलिस कंट्रोल रूम के पास जो फीडबैक आया उसके अनुसार महेश नगर 80 फीट रोड जेडीए पार्क में शराबी आए दिन मचाते थे उपद्रव। श्याम नगर थाने के पीछे पार्क में पीते थे बदमाश खुले में बैठकर शराब। मानसरोवर मान्यवास में देर रात तक चल रहा था बदमाशों का उपद्रव। चित्रकूट स्टेडियम के पास होती थी आए दिन छेड़छाड़। मालवीय नगर जगतपुरा रोड स्थित बार शराब की दुकानों पर रहता था देर रात तक जमावड़ा। गोपालपुरा बाईपास के पास खुली दुकानों के बाहर झगड़ते थे शराबी, वाहन चालकों के साथ करते थे झगड़ा। टोंक रोड रात 12 बजे तक खुली रहती है शराब और कबाब की दुकान। इन बदमाशों को देर रात तक शराब पीने का ठिया मिलने के बाद ये लोग शहर में उपद्रव किया करते थे, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।